क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। इवेल्यूएट, ये भी आपने सॉल्व करना है। इवेल्यूएट ये तो मैं कहूंगा भाई इतना आसान है, इतना इजी है। क्यूब रूट ऑफ 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हैंग हो जाते हो बच्चों, बता तो दिया करो कि सर समझ में आगे क्वेश्चन नहीं आया। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, क्वेश्चन चैट बॉक्स में आंसर दे दिया। क्या बात। ठीक है भाई, ठीक है। शशांक प्रसाद, प्रभात कुमार तिवारी और अनुराग मौर्य का आंसर भी आ गया, अभिजीत कुमार का आंसर भी आ गया, प्रभात कुमार तिवारी का आंसर आ गया। शाबाश बच्चे, शाबाश। भाई आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स मंगवाई कि नहीं मंगवाई, बताइए जरा। ये तो खिचड़ी पकाने वाला काम हो गया, ये तो खिचड़ी पकाने वाला काम हो गया, सारे एकदम। हाँ जी पायल, सर मैम को एड्रेस दे दी अभी तक, बट अभी आई नहीं है। ओके बच्चे, पहुंच जाएगी, बहुत जल्द पहुंच जाएगी। यस सर। मोहम्मद अफरोज, आपने मंगवा ली? मोहम्मद अफरोज सर कल बोला था। अच्छा कल बोला था। अरे भाई इतने दिन हो गए मुझे बोलते, मैं तो मंडे से बोल रहा हूँ आपको भाई, बोल दो कल बोला है, फिर तो लेट हो जाएगा बच्चे थोड़ा। कोई बात नहीं, उम्मीद है, पता नहीं स्कूल्स का क्या करेंगे। वैसे उम्मीद तो है भाई जुलाई अगस्त से स्कूल ओपन हो जाएंगे, जुलाई से। बाकी देखो उम्मीद है, सरकार क्या करती है देखेंगे। इट टोटली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट व्हाट काइंड ऑफ द डिसीजन दे विल टेक, है ना। भाई शुभम ये क्या कर दिया आपने, दोबारा से कीजिए। रवि किरण बच्चे दोबारा से कीजिए, पहले आपका ठीक है। शुभम पहले आपका आंसर ठीक आया, अभी गलत आया। खुशप्रीत सिंह दोबारा से कीजिए। यस सर, वो ये सर मेरा पहले वाला आंसर ठीक। इंटरनेट की दिक्कत आ रही है भाई, मेरी वीडियो दिखाई दे रही है आपको आराम से? यस सर सर क्लियर है, ऑडियो क्लियर है ना सर? सब क्लियर है। यस सर। ओके भाई। यस सर। क्लियर विजन, जैसे आपका क्लियर विजन क्या है भाई, सैनिक बनना है ना, चाहे एनडीए के थ्रू बने चाहे सिपाही के थ्रू बने, सिपाही के थ्रू कोशिश करो, ऑफिसर लेवल में जाना है आपको, ठीक है। बच्चों का सही जवाब देख लीजिए। अब देखो क्या इसमें ट्रिपलेट भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, बच्चों बोलो जरा, ट्रिपलेट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? यस सर। जी हाँ बिल्कुल बन रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बन रहे हैं। एक ये बन गया और एक बन गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब तीन चीजें इकट्ठी, तीन का जोड़ा, सेम चीजें, ठीक है। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 13 कर दीजिए बच्चे, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1.3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 1.3 बच्चे विल बी माई आंसर। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर भी किसी बच्चे को है तो बताइए जरा। नो सर। सर नो डाउट। ओके बच्चे। ये लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्पेशल। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है प्रभात कुमार तिवारी स्पेशल की तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है, प्रभात कुमार तिवारी की तरफ के नाम ये क्वेश्चन। रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 raised to power n इज इक्वल टू 729। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम तो क्यूब रूट कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। नहीं बच्चे, ये सारी की सारी फैमिली इकट्ठी है, ठीक है, मामा ताया चाचा ये सारे के सारे स्क्वायर एंड क्यूब रूट इकट्ठे घूमते हैं साथ साथ में हर कहीं, ठीक है जी। वरदान रावत, क्रॉस फिंगर्स मत कीजिए, थोड़ा सा फिंगर्स में पेन डालिए, उसको कॉपी पे थोड़ा रगड़िए, और क्यों ना फिर देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या बात, शुभम ने आंसर निकाल दिया, बट शुभम दोबारा से ट्राई करो।
कोई बात नहीं, यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। अरे किसके बैकग्राउंड इज ऑन, डबल डाटा जा ठीक है। ये किसका बैकग्राउंड ऑन है बच्चे, किसका बैकग्राउंड ऑन? शशिकांत, शशिकांत जी, प्रिंस यादव जी, वीडियो वीडियो बच्चे ऑन कर लीजिए। सुखजीत सिंह सिद्धू, प्रिंस यादव, मकसूद अहमद, सुमेध गौतम, अलोक कुमार बच्चे, सूर्यांश का आंसर बिल्कुल सही, सूर्यांश का आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, सूर्यांश। अलोक कुमार सिंह, नहीं बच्चे ऐसे नहीं होगा ये। जतिन फिर से करो, पीयूष चौधरी वीडियो ऑन कर लो बच्चे, वीडियो ऑन कर लो। अभिजीत कुमार, नहीं ऐसे नहीं होगा। चलिए देखे, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखिए बच्चे। शशांक प्रसाद, नहीं बच्चे फिर से कीजिए। अब ध्यान से देखो, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, माइंड फ्री होके बैठ जाओ ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन लगा ली मैंने अपनी जगह ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, ये लिखा भाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डेज टू पावर, इसको ऐसे रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डेज टू पावर एन इसको ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 729। अभी 729 की करो प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, इसकी करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा 729 की। देखो क्या ये 2 से जा रहा है? जी नहीं, 2 से नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जा रहा है? सर 3 से। जी हाँ 3 से जाएगा। यस सर। 3 2 जा 6 हो जाएगा है ना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्या ये जाएगा? जी हाँ पूरी तरह जाएगा। क्या ये जाएगा? जी हाँ पूरी तरह जाएगा। यस सर जाएगा। ये भी पूरी तरह जाएगा ना, ये भी जाएगा, यस सर ये भी जाएगा। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 रेज़ टू पावर 6 लिख सकता हूँ। सर ट्रिपलेट बना सकते हैं ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने जब दिया हो तो बेस यहाँ पे 3 दे रखा है ना, कोशिश करनी है सामने वाले का बेस भी सेम रखना है ठीक है। प्रभात कुमार तिवारी बिल्कुल सही जवाब, कोशिश करनी है आपने कि द बेस ऑफ द इक्वेशन इन बोथ द साइड्स मस्ट बी द इक्वल ठीक है जी। उनका जो बेस है वो आपने रखना है बच्चे इक्वल, उनका बेस आपने इक्वल रखना है, कोशिश करनी है कि उनका बेस जो है वो इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमने क्या सीखा हुआ है ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 होता है तो भाई एक्स का क्या करता हूँ मैं, एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, सामने वाले का स्क्वायर कर देता हूँ। भाई याद है किसी को कि भूल गया बता दीजिए? सर याद है, याद है ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर 1/2, इसका मतलब ये है इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये 1/2 खत्म करना पड़ेगा, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 1 बने? सर 2। हां 1/2 में 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसे 3 रेज़ टू पावर n, ये थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूं, वैसे डायरेक्ट भी समझाऊंगा। 1/2 × 2, इसकी पावर में आपने 2 मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 6 × 12। ये क्या बन गई मेरी, ये इक्वेशन है, क्या है ये मेरी इक्वेशन है। इस तरीके की इक्वेशन में क्या होता है, देखो बेस आपके सेम आ गए, अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स में बेस आपके सेम आ रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, इतनी बात अपने माइंड में फिट कर लो ठीक है। अगर क्योंकि दोनों इक्वल हैं बच्चे, दोनों की वैल्यू क्या सेम सेम है, तभी तो इक्वालिटी का साइन लगा है वहां पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, n विल बी इक्वल टू 12। क्यों आया, क्योंकि इनके बेस सेम है ना, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन द बेसिस आर सेम, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऐसे। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जरा, किसी को कोई परेशानी हो, सर नहीं समझ आया दोबारा से रिपीट कीजिए, तो वो बोल सकता है। हाँ जी वंश जोगी, दोबारा से रिपीट करना है, कितने बच्चे बोल रहे हैं दोबारा से रिपीट कीजिए, कितने बच्चे बोल रहे हैं हैंड रेज कीजिए अपना, कितने बच्चे बोल रहे हैं दोबारा से रिपीट करना है, 4 5 6 7 ओके बच्चे, मतलब दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा ये ना। चलिए देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एंड
आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द इंक ऑफ माई पेन. तो ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 729. मैंने क्या बोला, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे पावर दे रखी है 3 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू समथिंग, इन क्वेश्चन में क्या करना है, कोशिश कीजिए कि सामने वाले का जो बेस है वो भी 3 बने. आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा, ठीक है, बेस आपका इक्वल ही आएगा. अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 पूरी की पूरी संभावना है कि यहाँ पे 3 बन जाए, क्वेश्चन उस तरीके से बना हुआ होता है. ठीक है जी. अब देखो 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करो, प्राइम फैक्टर करो, इसके क्या आया, 3 रेस टू पावर 6 आ गया. इतना समझ आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक? नो सर. नो सर. आगे देखिए, 3 रेस टू पावर n स्क्वायर रूट. अब इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, समथिंग रेस टू पावर 1/2, बताया था मैंने आपको पहले. जैसे आपका क्यूब रूट का मतलब होता है समथिंग रेस टू पावर 1/3, उसी तरह स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है समथिंग रेस टू पावर 1/2. इतना तो है ना आपके माइंड में, कि भुला चुके वो भी? नहीं सर, याद है. याद है ना? यस सर. इसलिए देखो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये सिर्फ आपको ब्रीफली समझाने के लिए लिखा है मैंने ये वाला. इसको अगर डायरेक्ट से करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 रेस टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा. क्योंकि अगर मुझे पता है, अगर मैंने फिर आपको समझाने के लिए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या सीखा है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x 5 है तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो सामने वाले का स्क्वायर कर दूंगा, सामने वाले का स्क्वायर कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया. अब क्या आया, 3 रेस टू पावर n आ गया बच्चे आपका 3 रेस टू पावर 12. अब देखो मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, तो अगर इनके बेस सेम आ रहे हैं दोनों साइड, बेस सेम है, अगर तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे. अगर आपके बेस अलग अलग हैं तो उनके एक्सपोनेंट इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तब वो निकालने पड़ेंगे आपको सॉल्व करके. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जरा. यस सर. हाँ सर. तो इसीलिए देखो ये थोड़ा ब्रीफली समझाया आपको कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है समथिंग रेस टू पावर 1/2, इसलिए मैंने ये लिखा. ठीक है, फिर हमने पढ़ा हुआ भाई a रेस टू पावर m इनटू होल रेस टू पावर n. तो पावर अगर ऐसे हैं तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी कि ऐड होंगी, बताइए जरा. सर मल्टीप्लाई होंगी. ऑब्वियसली भाई मल्टीप्लाई होती हैं. ठीक है, क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती तो क्या ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a रेस टू पावर m इनटू n. तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना था. समझ आ गया कि नहीं आया, बताइए. यस सर, समझ में आ गया. यस सर. ओके भाई, कल जो है अटेंडेंस बहुत कम, कल मैंने देखे थे. देखो बच्चे ना पता क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, उसमें किसका लॉस है, मेरा लॉस है. किसका लॉस है उसमें, मेरा लॉस है. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब ऑफिसर एंट्री मारनी है कहीं पे भी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो. सुना है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीएचएसएल, सुना है, बनते हैं ना इंस्पेक्टर वगैरह सीबीआई में, सीबीआई में जो इंस्पेक्टर बनते हैं. अरे भाई सीबीआई का नाम तो सुना होगा. यस सर. यस सर. यस सर. ना सीबीआई का नाम तो सबने सुना है, उसमें इंस्पेक्टर बनते हैं, एसआई बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं. भाई सीजीएल से तो बनते हैं वो, एसएससी सीजीएल. ठीक है, तो भाई वहां पे यही सब आएगा. और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में आपकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आता है, 200, 250, 300 नंबर में. वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वहां पे इतने ज्यादा. ये जो कर रहे हो ना आप, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन के. ठीक है, तो इनको मत छोड़िए बच्चे, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे सारे सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैथ्स आपको भी पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. आप कहीं भी कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दोगे, मैथ्स आएगा ही आएगा, चाहे वो क्लरिकल डिपार्टमेंट में दे दो, चाहे वो बैंकिंग का दे दो, चाहे वो पीओ का दे दो. अब आपको पता है भाई बैंक में एक पीओ की पोस्ट भी होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर. सुना है किसी ने पीओ? क्लरिकल तो सबको पता है ना कि बैंक में क्लर्क होता है. यस सर. बैंक में पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर.
ठीक है, मैथ्स हर कहीं आएगा, ग्रामर हर कहीं आएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, गिवन दैट, और ये वाला क्वेश्चन करके मैं अटेंडेंस का लिंक डालता हूं। गिवन दैट 0.13 डिवाइड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और ये रहा बच्चे लिंक, ये लो अटेंडेंस भी लगा दो जल्दी से। मिल गया सभी को लिंक? यस सर। जल्दी से लगा लो, और ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। यस सर। प्रभात कुमार तिवारी फिर से बच्चे कोशिश करो, गलत है। शशिकांत मिश्रा फिर से ट्राई करो बच्चे। जतिन, शशांक प्रसाद, पायल, मोहम्मद अफरोज, वंश बोगाट, सिमरन कौर, बच्चे मुझे सभी का आंसर चाहिए। सूर्यांश यादव, योगेश, सुमेश गौतम, रवि किरण, सुखजीत सिंह सिद्धू। सिद्धू जी आपके आंसर नहीं आ रहे हैं आजकल, क्या हुआ? क्या बात भाई, क्या बात, क्या बात। ब्रह्मजोत सिंह बच्चे गलत कर दिया, अभिजीत कुमार गलत कर दिया, सूर्यांश का आंसर बिल्कुल सही, सूर्यांश का आंसर, शशांक प्रसाद का आंसर बिल्कुल सही है। मकसूद अहमद बच्चे आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिए, है ना, क्लास में बोलते नहीं कुछ आप, तो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बच्चे, इसका अगर सॉल्यूशन हम देखेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, 0.13 अपॉन पी स्क्वायर। अरे भाई क्लास में ही हो ना, चले तो नहीं गए, कुछ हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अपनी जो एक प्रेजेंस होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बता दिया करो मुझे, ठीक है। इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहाँ पे चला जाएगा, ये भारत में बैठा, ये चला गया कनाडा उड़ के, ठीक है, ऊपर चला गया, ये क्या बन जाएगा, 0.13 इज इक्वल टू 13 इनटू पी स्क्वायर, इनटू हो जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व आगे करेंगे तो भाई पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.13 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर इजी वे में सॉल्व करूं तो ध्यान से देख लीजिए। ब्रह्मजोत सिंह ठीक जवाब, खुशप्रीत दोबारा से कीजिए बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से। अब 0.13 का के मतलब क्या है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन, ये तो डेसिमल में, अगर उसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, फ्रैक्शन में 2 जीरो हो जाएगा, 13/100 बन जाएगा, है ना, तभी बना ना 0.3 × 13, 13 लगा दीजिए साथ में भाई, 13 का 13 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10, 1/100, यहाँ पे 100 सॉरी, इंप्लाइज पी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा 1/100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा है, अगर यहाँ पे अंडर रूट पी होता तो सामने वाले का स्क्वायर करता मैं, ठीक है। अब लगा यहाँ पे पी स्क्वायर, ठीक है जी, सामने वाले का कर दूंगा बच्चे, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/10, 1/10, और इसको डेसिमल में चेंज कर दिया तो 0.1 मेरा, 0. यस सर सही है मेरा, ठीक है। यस सर। बच्चे ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए, और सभी के कॉपी में हो जाने चाहिए ये क्वेश्चंस, हर एक बच्चे की कॉपी में। बच्चे पेन को नहीं खाना है, पेन को नहीं खाना है, मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ, डोंट वरी, आपके सामने बैठा हूँ, हर किसी को देख रहा हूँ कौन क्या कर रहे हैं। वरदान रावत वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी दीपक कुमार जी बताइए, डाउट क्या है दीपक कुमार जी? सर वहाँ पे 1/100 इक्वल टू 1/10 सर, वहाँ पे समझ में नहीं आया कहाँ पे ये, अच्छा ओके बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वाला डिब्बा बना दूं, ये मैंने बना दिया डिब्बा रफ वाला, ये डिब्बा है हमारा, ये बच्चे किसका डाउट है, उसका दीपक का, ये दीपक का डिब्बा है, ठीक है, ये दीपक का डिब्बा है। दीपक ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो बच्चे एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, मतलब एक्स मेरा 10 आ जाएगा,
ठीक है, जब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर दिया होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर दिया है, बात एक ही है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल को। अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 100 लिखा है, तो भाई मुझे तो एक्स चाहिए, ठीक है, मतलब 2 की पावर में 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 1 बनेगा, ठीक है, मतलब क्या है, एक्स 2 × 1/2 किया तभी वो एक्स बना ना, इंटू 100^1/2, और समथिंग रेस टू पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो x ये 2 से 2 कट के यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 = 10। इस केस में भी ऐसा ही किया हमने, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 आया, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/100, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है जी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।